हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम पुष्पेंद दक एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। ये मैं इस वीडियो में आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बताना वाला हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स में होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चों को, इवन जो बड़े बच्चे होते हैं उनको भी ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, जो अधिकतर प्लस या माइनस की गलतियाँ कर देते हैं। तो इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखें तो इसके बाद आप कभी प्लस या माइनस में गलती नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको दो तरीके से बता दूँ, अगर आप कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, मीन्स या तो आप जोड़ या घटाना कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे साइन की कुछ गलतियाँ हम करते हैं, तो वो चीज़ हम देखते हैं। अगर सपोज करेगा, जैसे मैं लिख देता हूँ, एक मैंने छोटी सी चीज़ लिखी है, जैसे सपोज करो अगर कोई दो डिजिट प्लस और प्लस की हैं, तो आपका हमेशा जो चिन्ह आएगा वो प्लस होगा और आपका होगा क्या, एडिशन होगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस माइनस की कोई दोनों डिजिट, तो चिन्ह आएगा आपका माइनस का और होगा आपका एडिशन ही। इसके ध्यान से देखो, अगर कोई दो डिजिट प्लस की है तो प्लस ही होगा, ऑब्वियसली बात है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे गलती हम यहाँ करते हैं, माइनस माइनस की अगर कोई डिजिट होती है तो वो चिन्ह अगर आपका आएगा फाइनल डिजिट में, वो माइनस का आएगा, लेकिन होगा क्या, एडिशन ही होगा। अगर प्लस और माइनस की डिजिट है तो चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बिग डिजिट का चिन्ह आएगा आपका, और होगा क्या, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, घटाना होगा। क्या होगा, यहाँ पे घटाना होगा। और अगर माइनस और प्लस की डिजिट है तो भी चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह तो भी बड़ी संख्या का आएगा, और यहाँ पे होगा क्या, वही घटाना होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता दूँ, अगर जैसे लिखा है 2 + 2, तो दोनों ही प्लस का है तो 2 + 2 = 4 होगा, एडिशन होगा और चिन्ह भी प्लस का आएगा। अगर दोनों माइनस, कैसे, -2 - -2, तो देखिएगा माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है, एडिशन होता है, तो 4 और चिन्ह किसका आएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 - 2 लिखा है, तो बड़ी संख्या 4 है और छोटी संख्या 2 है, तो प्लस और माइनस करें तो ऑब्वियसली बात, यहाँ पे किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अगर ऐसे ये हो जाता -4 + 2 होता, -4 + 2, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो साइन आएगा माइनस का और होगा क्या, घटाना, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ये बिल्कुल बेसिक मैसेज जनरली हम बच्चों को नहीं आता, और यहाँ माइनस प्लस की गलती में पूरा क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो ये तो हो गया आपका जोड़ या घटाना। अगर आप सपोज करो यही मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में होता है तो क्या होता है, तो अब ऐसी बात, यहाँ पे भी दो तरह की संख्या रहेंगी, दो तरह के चिन्ह होंगे, तो कैसे क्या होंगे आप देखते हैं। अगर प्लस गुणा प्लस, मतलब दोनों ही संख्या प्लस की है, तो आपका चिन्ह जो आएगा, चाहे वो प्लस, देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की बात हो रही है, चाहे आपका प्लस डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, प्लस और प्लस का डिवाइड करेंगे तो प्लस का ही साइन आएगा। जैसे सपोज करो कि 16 / 2, तो आंसर आपका आएगा 8, तो ये पॉजिटिव ही आया। अगर 16 × 2 करूँगा तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, ये सबको पता होता है। लेकिन आगे कन्फ्यूजन कहाँ होती है, ये अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो साइन आपका प्लस का आएगा। जैसे सपोज करो -16 × -2, तो 16 × 2 = 32, और माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो साइन आपका माइनस का आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो साइन आपका माइनस का आएगा, जैसे -16 × 2, तो माइनस का 32 होगा। अगर आप प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो भी साइन माइनस का ही आएगा, जैसे आप 16 × -2 करेंगे तो ये माइनस का 32 आएगा। तो बस बिल्कुल सिंपल है। तो ये चिन्ह जो होते हैं जनरली, ये प्लस और माइनस में एक जैसा सिस्टम चलता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक जैसा सिस्टम चलता है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अधिकतर क्या होता है, बच्चे इसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, यही उनका बेस क्लियर नहीं होता, और इसमें क्या कर देते, तो प्लस से माइनस की गलती करे तो पूरा क्वेश्चन का ही आंसर चेंज हो जाता है। तो होप यू गाइस आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। वीडियो तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।